देख रहे हैं YouTube चैनल ITI to CTI क्लासेज। मैं देवेंदर सर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है कि ड्रिल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस मटेरियल का बनाया जाता है और इसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले आता है ड्रिल। ड्रिल क्या है? ड्रिल एक एंड कटिंग टूल है। एंड कटिंग टूल मतलब है कि यह एक सिरे से काटने वाला औजार होता है। इसके द्वारा हम धातु में होल करते हैं। इसको प्रयोग करते वक्त लेथ मशीन पर ड्रिल स्थिर रहता है और जॉब घूमती है, लेकिन ड्रिलिंग मशीन पर और मिलिंग मशीन पर जो ड्रिल घूमता है और जॉब स्थिर रहती है, और इसके द्वारा हम किसी भी जॉब में होल करते हैं। ठीक है, यह बनाया किसका जाता है? यह हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। किसका? हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, यह सिरे से कैसे काटता है कि यह क्या होता है, आगे से इस तरह से नुकीला होता है। ठीक है, इसको एंगल बनाया जाता है। ठीक, और ये यहां से इस पॉइंट से काटना स्टार्ट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिरे से काटने वाला औजार। तो प्रकार, तो ड्रिल कितने प्रकार का होता है भाई? ड्रिल तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है नंबर एक पर फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल कैसा होता है? यह गोल रोड का फोर्जिंग करके बनाया जाता है और इसका जो पॉइंट एंगल होता है यह 90 डिग्री का होता है। जो ये पॉइंट होता है इसका, जहां से कटिंग करना स्टार्ट करता है, वो कितने का? 90 डिग्री का होता है। इसके द्वारा जो है हम हार्ड धातु में होल करते हैं। क्या करते हैं? हार्ड धातु में होल करते हैं। इसको हम जितना हार्ड और टेम्पर करना चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है, यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और इसकी में जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 0.9% से 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसको हम हैंड, हाथ से प्रयोग करते हैं और इसमें मानव शक्ति बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बुरादा नहीं निकलता है। इसमें बुरादा नहीं निकलता, ये होल जैसे करता है इसको ऊपर से चोट मारी जाती है और यह जितना भी इसमें मटेरियल है वो नीचे की तरफ दसाता जाता है ये। ठीक है, और इसमें यह आगे से कितने 90 डिग्री का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? कटिंग एज। तो ये होता है भाई फ्लैट ड्रिल। इससे जो है शुद्ध साइज में होल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका बहुत कम यूज किया जाता है, इसका केवल हाथ से प्रयोग करते हैं हम। नंबर दो पे आता स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इसके द्वारा बहुत कम धातु काटी जाती है। किसे? स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इसमें क्या होता है कि दो फ्लूट्स होते हैं, दो फ्लूट्स दोनों एक दूसरे के विपरीत बने होते हैं। जैसे कि यह दो सैंक में होता है, टेपर सैंक और स्ट्रेट सैंक में, और इसमें दो की दो फ्लूट्स है। एक फ्लूट्स ये है, एक बिल्कुल इसके नीचे की तरफ विपरीत साइड में है। ठीक है, और यह है, इसके द्वारा हम जो हमारी स्प्रे की जो टंकी होती है उसमें जो स्प्रे की टंकी की जो निप्पल होती है उसमें होल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और उस ड्रिल को यूरेका ड्रिल कहते हैं, जो जिससे हमें स्प्रे की टंकी के निप्पल में जो होल करते हैं उसे यूरेका ड्रिल कहा जाता है। और इसका साइज 0.0138 इंच से 0.1964 इंच तक होता है। ठीक है, इसका इतना साइज होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा दो सैंक में होता है, स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इसके द्वारा हम नरम धातुओं में, किसमें? नरम धातुओं, एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक, ऐसी धातुओं में इसके द्वारा होल किया जाता है और यह बहुत कम धातु काटता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। नंबर तीन पे आता है ट्विस्ट ड्रिल, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक युग में ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जो जैसा कि मैंने बना रखा है, ये होता है इस तरह से। ठीक है, ये है ड्रिल हमारा, कौन सा ड्रिल? ये है टेपर सैंक ड्रिल। ठीक है, और इसके कौन कौन से भाग हैं? जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है, यह चार तरह की सैंक होती है इसकी। कितने तरह की? चार तरह की। स्ट्रेट सैंक होती है,
10% होती है, जैसा कि ये बना हुआ है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसको क्या बोलते हैं, सेंक बोलते हैं, ठीक है, यहां तक, इस यहां से यहां तक सेंक है ये, ठीक है। और इससे आगे है रेचेट सेंक होती है और बिट सेंक, ये चार टाइप्स की बनी होती है। अब है ये है टेपर सेंक, ठीक है, इसके ये पार्ट्स हैं, मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आता है टैंग, एक साइड तो इस ड्रिल में जो है पॉइंट होता है, कटिंग पॉइंट, और एक साइड होती है टैंग, उसके कटिंग पॉइंट के ठीक विपरीत साइड जहां पर सेंक होती है हमारी, उस साइड का जो लास्ट सिरा होता है उसको टैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंग। इसका प्रयोग का इसको जब हम मशीन में टेपर सेंक ड्रिल को फिट करते सीधा स्पिंडल में, या जो स्लीव की सहायता से फिट करते हैं, तो तब उसको निकालने के लिए ड्रिफ्ट की सहायता से टैंक के ऊपर चोट मारी जाती है और ड्रिल को स्लीव में से या स्पिंडल में से निकाला जाता है, ठीक है, ये होती है टैंक। और टैंक से आगे होता है सेंक। क्या सेंक? यह सेंक होता है टेपर, टेपर सेंक, यानी सेंक। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर मोर स्टेपर कटी होती है, तो यह मोर स्टेपर में बना होता है MT1 से MT5, MT1 से MT5 तक की इसके ऊपर जो है मोर स्टेपर में यह बना होता है। और स्पिंडल के ऊपर भी, सॉरी, स्पिंडल के अंदर या स्लीव के अंदर और बाहर दोनों तरह तरफ क्या होता है, जो कि मोर स्टेपर कटी होती है, वो भी MT1 और MT5 ही होती है, ठीक है। तो इससे आगे आता है नेक। नेक क्या होता है? सेंक से आगे का भाग जो कि ड्रिल का, और जहां उससे आगे क्या होता है, फ्लूट स्टार्ट होते हैं, उससे पहले ये थोड़ा सा इसका डाया कम होता है और इसके ऊपर जो है ड्रिल का मटेरियल और उसका साइज लिखा जाता है, कि इसके ऊपर नेक के ऊपर लिखा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। इससे आगे आता है वे बॉडी। बॉडी क्या होता है? जिस भाग पर ड्रिल के जिस भाग पर फ्लूट कटे होते हैं उसे बॉडी कहते हैं, ठीक है, उस पूरे भाग को लंबाई में बॉडी कहा जाता है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, बॉडी है, ठीक है। बॉडी से आगे आता है लैंड। लैंड क्या होता है? लैंड होता है दो फ्लूट्स के बीच की पूरी लंबाई को लैंड कहा जाता है, जैसे कि ये फ्लूट्स है और ये फ्लूट्स है, इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक पूरी लंबाई को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, यहां से यहां तक लैंड है, इसको क्या बोलेंगे, लैंड, ठीक है। उससे आगे आता है फ्लूट्स, जो हेलिकल ग्रू कटे होते हैं ड्रिल में, जो हेलिकल ग्रू कटे होते हैं, जैसा कि आप देखोगे ड्रिल को, देखते ही समझ जाओगे उसमें जो ग्रू से बने हुए होंगे उन्हें हम फ्लूट्स कहते हैं, ठीक है, फ्लूट्स कहा जाता है। फ्लूट्स से आगे आता है मार्जन। मार्जन क्या होता है? लैंड, लैंड में जो कि एक चमकीली रेखा होती है, चमकीली चमकीला भाग होता है, ठीक है, लैंड के ऊपर एक चमकीला भाग होता है जिसकी चौड़ाई 1 से 2 mm होती है, जिसकी चौड़ाई 1 से 2 mm होती है, और जो कटिंग करते समय जो हमारा मटेरियल होता है उसकी सतह से टच करता, यानी उसको छूता हुआ चलता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन कहते हैं, और इसकी जो चौड़ाई होती है 1 से 2 mm होती है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा फ्लूड्स, इससे आगे आता है, सॉरी, क्या, मार्जिन। मार्जिन से आ गया बॉडी क्लीयरेंस। बॉडी क्लीयरेंस क्या होता है? लैंड, लैंड की जो मार्जिन को छोड़कर शेष भाग को बॉडी क्लीयरेंस कहा जाता है। दोनों फ्लूड्स के बीच की दूरी और उसमें जो मार्जन होता है, जो हमारी चमकीली रेखा होती है, उसे छोड़कर बाकी सारे भाग को क्या कहा जाता है, बॉडी क्लीयरेंस। और यह जब हमारा ड्रिल कटिंग करता है तब जो हमारा मटेरियल होता है उसे नहीं छूता है, उसे नहीं छूता, उससे जो, क्योंकि यह मार्जन से कम होता है, ठीक है। उससे आगे आता है कि भाई पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? फ्लूड्स की वे कोनिकल सतह जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, फ्लूड्स की कोनिकल सतह जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, पॉइंट कहते हैं।
और उससे आ गया पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल क्या होता है? पॉइंट एंगल जिस कोण पर जो ये कोण बनता, जिस ये पॉइंट बनाने के लिए जिस कोण पर ये दोनों एलिकल जो कि हमारे ये इसके फ्लूट्स के कोणे आकर यहां पर मिले हैं, तो जो ये कोण बना है इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल। यानी कि पॉइंट जिस कोण पर बना हुआ है उसे पॉइंट एंगल बोलते हैं। तो ये पॉइंट एंगल कितना होता हमारा? सभी साधारण कामों के लिए 118 डिग्री पॉइंट एंगल होता है, लेकिन जो विभिन्न धातुएं होती हैं उनके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें आता है लीप क्लीयरेंस, लीप कटिंग, लीप और कटिंग एज। लीप और कटिंग एज क्या होता है? जो हमारा पॉइंट बनाता है, जो ये है हमारा पॉइंट बना हुआ है, इसका जो एक साइड का ये भाग होता है, ठीक है, जो फ्लूट्स की हमारी ये ऊपर वाली जो डाया का जो बाहरी डाय है, डाया यहां से लेकर इस पॉइंट तक, इसको क्या बोलते हैं? लीप बोला जाता है या कटिंग एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिंग एज या लीप। यानी कि जो हमारा दूरी का ये केंद्र है इसके साथ ये जिस एंगल पर बना होता है और एंगल के जो एक साइड की भुजा है इसे कटिंग एज या लीप कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कटिंग एज या लीप। इससे आ गया था क्लीयरेंस, जो कटिंग एज के साथ जो कटिंग क्लीयरेंस देते हैं, क्लीयरेंस एंगल। क्लीयरेंस एंगल कितना होता है? यह 8 से 15 डिग्री होता है। कितना होता? 8 से 15 डिग्री। 8 से 15 डिग्री जो है क्लीयरेंस एंगल होता है। क्लीयरेंस एंगल कैसे होता है? जो हमारा लीप होता है इसको पीछे की तरफ, ड्रिल की दूरी की तरफ हम क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, ताकि यह इसका पीछे का जो भाग होता है वो इससे जो हमारी मटेरियल होता है उससे ना टकराए। क्योंकि यदि हम क्लीयरेंस नहीं देंगे तो हमारा जो ड्रिल है वो कटाई नहीं करेगा, इसलिए इसे क्लीयरेंस देते हैं जो कि 8 से 15 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो ड्रिल। इससे आ गया था हेलिक्स एंगल। लास्ट पॉइंट है ये हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या होता है? जो हमारे फ्लूट्स होते हैं, जो हमारे फ्लूट्स होते हैं और ये धुरी के साथ, जो ड्रिल की धुरी होती है इसके साथ जो जिस एंगल पर, जैसे कि ये फ्लूट्स है, ये जिस एंगल पर यहां पर जो ये एंगल बनता है, जिस एंगल पर झुके होते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलिक्स एंगल कहते हैं, या फ्लूट्स एंगल भी इसे कहा जाता है। और यह कितना होता है? सभी आमतौर पर तो यह 27.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 27.5 डिग्री। हेलिक्स एंगल कितना होता है? 27.5 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन यह धातु के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है, यह धातु के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो ड्रिल का चैप्टर था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबसे जरूरी है, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि भाई जो यूरेका ड्रिल कौन से होते हैं? जो स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल होते हैं, स्ट्रेट सेंक स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल होते हैं, जिनके द्वारा मशीन की जो निप्पल होती है उसमें जो पंप होता है उसकी निप्पल में होल करने के लिए जिस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है उसे यूरेका ड्रिल कहते हैं, ठीक है। यूरे स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का साइज पूछ लेगा 0.0138 इंच से 0.1964 इंच तक होता है। अच्छा, और एक बात है कि जो हमारे स्ट्रेट सेंक ड्रिल होते हैं वो 12.5 mm तक होते हैं। स्ट्रेट सेंक जिसमें ट्विस्ट ड्रिल में, ट्विस्ट ड्रिल में जो हमारे स्ट्रेट सेंक होते हैं वो कितना होता है? 12.5 mm तक के ड्रिल पाए जाते हैं स्ट्रेट सेंक में। और नंबर दो पे आता है टेपर सेंक। टेपर सेंक के ड्रिल होते हैं जो 6 mm से ऊपर पाए जाते हैं। सबसे कम 6 mm का जो टेपर सेंक ड्रिल मिलता है, उससे सभी बड़े साइज के जितने भी ड्रिल होते हैं वो टेपर सेंक में होते हैं। तो ये था हमारा ड्रिल का चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।